दोस्तों, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे तो छोटी चाहे तो बड़ी, ये सभी इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि हम ऐसी फिल्मों को बनाएं जहां पर लागत तो कम लगे पर हमें इनकम ज्यादा हो। और जैसा कि आपको पता है कि हैकिंग फिल्में बनाने के लिए पैसे तो ज्यादा लगते हैं, पर मूवी हिट हो या ना हिट हो ये कोई फिक्स नहीं रहता है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में दो बड़ी इंडस्ट्रीज है, पहला तो बॉलीवुड और दूसरा हुआ टॉलीवुड यानी साउथ इंडियन। दोस्तों, इन दोनों इंडस्ट्रीज के द्वारा भी काफी सारे फिल्में रिलीज की जाती हैं काफी कैटेगरी की, बट हैकिंग्स पे बनी फिल्में बहुत ही कम संख्या में इन दोनों इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हैकिंग्स फिल्में बनाने के लिए पैसे ज्यादा लगाने पड़ते हैं और मूवी हिट हो या ना हिट हो ये कोई फिक्स नहीं रहता है। तो दोस्तों, आते अपनी मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को साउथ इंडियन की ऐसी पांच जबरदस्त धाकड़ हैकिंग्स पे बनी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों क्राइम, मिस्ट्री और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। और दोस्तों, मैं आपको जितनी भी मूवीज बताऊंगा ये मूवीज यूट्यूब पर हिंदी डब भाषा में अवेलेबल भी हैं। तो नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं टॉप फिल्मी टॉक्स। तो आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5। तो इस लिस्ट में हमने जिस फिल्म को नंबर 5 पे रखा है उस फिल्म का नाम है थ्रितु पायलट 2। दोस्तों, ये मूवी 2017 की रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की बेस्ट ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी नाम रखा गया था द रियल थीप। और बात करें स्टार कास्ट की, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे सुशी गणेशन, प्रसन्ना और अमाला पाउल जी के साथ एनदर एक्टर भी इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को नजर आएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की प्लॉट की। तो प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि एक पुलिस अधिकारी होता है और इसके सीनियर ऑफिसरों यानी सीनियर अधिकारियों के द्वारा इसे ऑनलाइन कॉल को टैप और ट्रैक करने का काम दिया जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो अधिकारी होता है ये अपने टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो दोस्तों मानसिक रूप से बीमार होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मूवी पूरी तरह से तो हैकिंग पे बेस नहीं है, बट इस मूवी का कॉन्सेप्ट, इस मूवी के क्रिएटिविटी काफी यूनिक है। ये मूवी 20 फरवरी 2017 को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल चैनल पर हिंदी डब भाषा में अपलोड की गई थी। तो इस लिस्ट में हमने जिस फिल्म को नंबर 4 पे रखा है उस फिल्म का नाम है विवेगम। दोस्तों, ये मूवी 2017 की रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी नाम सेम है। और बात करें स्टार कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे अजीत कुमार, अक्षरा हसन और काजल अग्रवाल इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, फटाफट बात कर लेते हैं इस मूवी की शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो इस मूवी में होता क्या है कि अजय कुमार यानी अजीत कुमार एक रॉय एजेंट होते हैं और ये आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े मिशन पर होते हैं और यहाँ पर आतंकवादियों के सरगना को ट्रैक करने के लिए ये हैकिंग का सहारा लेते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद इन पर काफी सारे देशद्रोह के संगीन आरोप भी लगाए जाते हैं। एक तरह से दोस्तों, इस मूवी में आपको हैकिंग के अलावा आपको काफी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 25 दिसंबर 2018 को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर ये मूवी अपलोड की गई थी। नंबर 3। तो इस लिस्ट में हमने जिस फिल्म को नंबर 3 पर रखा है उस फिल्म का नाम है हैक्ड। दोस्तों, ये मूवी इसी साल 2020 की रिलीज हुई एक बॉलीवुड की जबरदस्त ड्रामा मिस्ट्री पर बनी हुई एक हैकिंग बेस मूवी थी। और दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे हीना खान, रोहन शाह और तानवी थक्कर जी इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मूवी की पूरी कहानी समीरा नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक बिजनेसमैन होती है और ये प्यार के नाम से कोसों दूर रहती है और तभी एंट्री होती है विवेक नाम के एक हैकर की जो समीरा से दिल और जान से प्यार करने लगता है। बट दोस्तों, विवेक उम्र में छोटा होता है इसीलिए समीरा इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब यहां पर क्या करता है विवेक, इससे बदला लेने के लिए समीरा के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके उसका गलत तरीके से मिसयूज करने लगता है। दोस्तों, मूवी पूरी तरह से साइबर क्राइम पर बेस्ड है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को आप लोग कहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी को आप लोग वीडियो बड्डी, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव और यूट्यूब पर भी आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। बट दोस्तों, ये मूवी एक कॉपीराइट मूवी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि जल्दी से जाकर आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस मूवी को देख लीजिए, नहीं तो ये मूवी कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकती है। नंबर 2।
तो इस लिस्ट में हमने जिस फिल्म को नंबर 2 पे रखा है उस फिल्म का नाम है कनिथन। दोस्तों ये मूवी 2016 की रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की बेस्ट जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और दोस्तों इस मूवी का हिंदी नाम सेम है। और बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की बारे में, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे अथर्वा, कैथरीन त्रेसा और तरुण अरोरा। इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की प्लॉट की, तो प्लॉट दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक गौतम नाम का पत्रकार होता है और इसे फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसे अपनी बेगुनाह साबित करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग इस मूवी को अभी हिंदी डब भाषा में देख सकते हैं। नंबर 1, तो इस लिस्ट में हमने जिस फिल्म को नंबर 1 पर रखा है उस फिल्म का नाम है PSB गरुड़ा ओबेगा। दोस्तों ये मूवी 2017 की रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज की बेस्ट एक्शन मर्डर मिस्ट्री पर बनी हुई एक स्पाई फिल्म थी। स्पाई मतलब कि जासूसी पर बनी फिल्म। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का हिंदी नाम सेम है। और बात करें स्टार कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे डॉक्टर राजा शेखर, पूजा कुमार और श्रद्धा दास के अलावा एनदर कास्ट इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की प्लॉट की, तो मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक साथी हैकर होता है जो गवर्नमेंट के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को भी हैक करने की हिम्मत रखता है। और यहां पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर यह हैकर बैंकों के सभी सर्वर को हैक कर लेता है। अब इस हैकर को कैसे पकड़ा जाता है, क्या कुछ होता है, इस फिल्म को देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट, इस मूवी का कंटेंट, इस मूवी का क्लाइमेक्स, इस मूवी का स्क्रीन प्ले और इस मूवी का डायरेक्शन इतना परफेक्ट है जो आपको दिल पर राज कर लेगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस लिस्ट में मैंने जितनी भी फिल्म रखी थी उन सारी फिल्मों में से इस फिल्म में हाई लेवल तक की आपको हैकिंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को आप लोग कहां पर देख सकते हैं, तो मूवी दोस्तों एक कॉपीराइटेड मूवी है जो कभी भी यूट्यूब पर आती है और कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी से इस फिल्म को आप लोग देख लीजिए, नहीं तो ये मूवी कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकती है। और मूवी को देखकर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये मूवी आपको देखने के बाद कैसी लगी। तो यहां पर दोस्तों ये रही साउथ इंडियन की ऐसी 5 बेस्ट हैकिंग पे आधारित फिल्में। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही फिल्मों से रिलेटेड और भी जानकारी और भी लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल टॉप फिल्म टॉकर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी जानकारी कलेक्ट करके आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे किसने वीडियो में किसने इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।